और आपका धन्यवाद है कि आप सभी पत्रकार भाई इतनी संख्या में आए हैं। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको पता है कि 24 तारीख को मौड़ा अनाज मंडी अंबाड़ा के पास, जहां से दिल्ली कूच किया था, बैरिकेड तोड़ने की शुरुआत जहां से की थी, वहीं पे हमने 24 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन रखा हुआ है। 24 तारीख को सर छोटूराम जयंती है और जो वर्षगांठ है उस आंदोलन की 25 तारीख को वहां से शुरू हुआ था, तो 24 तारीख को मानिए 2 साल पूरे हो रहे हैं। और इसमें हमने इकट्ठ करने के साथ साथ एक कॉल दी थी कि अगर रेलवे ने 24 तारीख तक अपने केस वापिस ना किए, रेलवे के काफी मुकदमे दर्ज थे, तो हम उसी मंडी के सामने रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप सब ने बहुत अच्छी तरह वो खबर लगाई थी और आपकी खबर का और इस आंदोलन की तारीख देने का असर ये हुआ है कि रेलवे ने सारे मुकदमे वापस लेने के लिए जो है वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हम ये सारे के सारे टोटल के टोटल मुकदमे वापस ले रहे हैं। उन्होंने लेटर भी हमें दे दिया और अकेले हरियाणा के नहीं, ये 24/9/2020 से लेके और 12 तारीख तक, 12/12/2021 तक, ये सारे जो मुकदमे हैं पूरे देश के, उन्होंने वापस ले लिए। तो अब उनकी केस वापस लेने के बाद रेलवे ट्रैक जाम करने का प्रोग्राम हमने स्थगित कर दिया है, क्योंकि रेलवे से कोई झगड़ा नहीं रहा है। लेकिन एक और नई बात कल हमारे सामने आई, उसके पहले तो ये था कि कुछ केस वापस होने रह रहे हैं। हरियाणा सरकार के 32 केस पिछले हैं जो आंदोलन से पहले हैं, उन्होंने वापस लेने का वादा किया था और आंदोलन के दौरान जो केस हुए थे वो कोर्टों में कुछ केस दे दिए थे, वो अभी कुछ पेंडिंग है, कुछ वापस हो गए थे और कुछ केसों की भी शुरुआत ही नहीं की थी वापस करने। लेकिन इसके साथ साथ कल एक बात नई और सामने आई है कि इन्होंने वापस लेने का तो ऑर्डर ही नहीं किया। जो सरकार ने ऑर्डर किया वापस लेने का नहीं किया, अनट्रेस का किया। अनट्रेस दिखा रहे हैं केसों को। अनट्रेस का मतलब समझने की जरूरत है। अनट्रेस का मतलब है कि पता नहीं किसने किया, लेकिन जिन केसों में नाम दर्ज हैं, 10 आदमियों के, 20 आदमियों के, 30 आदमियों के, 2 आदमियों के नाम दर्ज हैं कि ये तो मौके पे थे और बाकी अन्य थे, उसको अनट्रेस कैसे करेंगे? उसको अनट्रेस कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात, अगर एक बार अनट्रेस केस कर दिया जाए तो वो दोबारे कभी भी खुल सकता है। 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, वो कभी भी खुल सकता है। इसका मतलब ये निकला है कि हरियाणा सरकार ने हमारे साथ बड़ा विश्वासघात किया है। हमारे से वादा तो वापस लेने का किया, केंद्र सरकार ने जो लिख के दिया वो भी वापस लेने का लिख के दिया, लेकिन यहां पूरे किसान वर्ग को गुमराह कर दिया गया कि उनको अनट्रेस दिखाया गया। और यही कारण है कि आज अदालतों में केस लटक रहे हैं, क्योंकि अदालत क्या करें, कई अदालतों ने केस वापस भेज दिए कि अनट्रेस कैसे, इसमें तो अपने नाम लिखे हुए हैं। कई कोर्टों ने केस वापस भेज दिए और बहुत से केस ऐसे हैं जिनकी अभी शुरुआत ही नहीं की इन्होंने वापस लेने। तो ये भी हमने चेतावनी सरकार को पहले से दे दी थी, लेकिन अभी जो कल नई बात आई है तो अब हमें इसके ऊपर कोई सख्त एक्शन लेने की जो है वो जरूरत पड़ गई।
और अब हमने अपनी कमेटी में फैसला ये किया है कि 24 तारीख को रेलवे ट्रैक तो जाम नहीं करेंगे, लेकिन उसी जगह पे उसी मंडी के सामने जीटी रोड जाम करेंगे। हाँ, अगर सरकार 24 तारीख से पहले, हरियाणा सरकार अगर 24 तारीख से पहले पूरे के पूरे केस वापस ले लेती है, नए भी पुराने भी सारे केस वापस ले लेती है, तो फिर जो है वो ट्रैक जाम नहीं, रेलवे जो जीटी रोड है फिर वो जाम नहीं करेंगे। फिर हम अपनी वहां पे सभा करेंगे और जो सर छोटू राम का जन्मदिन है और जो आंदोलन की बरसी है, 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे, फिर वो मना के अपना भाषणबाजी करके वहां से वापिस आ जाए। तो इसीलिए आपको तकलीफ दी है कि हमारा जो अब जो नया हमारा फैसला है वो रेलवे ट्रैक की बजाय जीटी रोड जाम करने का है, और उसके साथ साथ चेतावनी ये भी है कि 24 तारीख तक अगर ना किए तो फिर वहां पे जीटी रोड जाम होगा, और कब तक होगा, कितने समय के लिए होगा, इसका फैसला मौके पे ही होगा। तो इसलिए आपको तकलीफ। बस एक एक मिनट ये बोल लें, फिर आपके सवाल। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कल हमारी मीटिंग जो है हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज से हुई थी, पर उन्होंने ये दिखाया कि इन केसों के मुद्दों जो है मीटिंग हुई थी, जो कि गुमराह कर रहे हैं सरकार। और मैं नहीं समझता कि इतने बड़े पद पे बैठ के कहीं प्रदेश को गुमराह किया जाए। कल जो बात हुई थी वो एक मैटर है 2020 का, सूरजमुखी के सनफ्लावर का केस का, कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं सरकार कर रही। जो घटिया बीज कंपनी बेच गई उसके बारे में कोई ध्यान नहीं सरकार कर रही, केवल जांच चल रही है। पिछले 2 साल से उसको लेकर हम मिले थे कि 2 साल से केवल जांच ही चल रही है, आप उस पर कार्रवाई करवाएं। तो उस दौरान जो है उन्होंने थोड़ी सी बात करी थी कि हम केस वापसी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई शिष्टमंडल उस वास्तव में या इस आंदोलन के संबंध में नहीं मिला था। तो मेरी इतनी बात थी इसमें, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री जी यदि कहीं गुमराह कर रहे हैं प्रदेश को, तो बात जनता के सामने जानी चाहिए। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों का पहले 24 काम कर रहे हैं भाई, अगर आप केस वापस ना लिए तो जाम करेंगे जीटी रोड, लेकिन इसके साथ साथ हम इसमें मुद्दे दूसरे भी हैं हमारे जो पेंडिंग पड़े हैं, जैसे एमएसपी के ऊपर कमेटी भी बनाई गई आज तक, और दूसरा जो बिजली के अधिक था जो उसमें भी इन्होंने कहा था कि हम स्टेक होल्डर से बात करके इसको पार्लियामेंट में रखेंगे, वो भी इन्होंने रख दिया है वैसे। और इसी तरीके से इन्होंने जो ये रखे हैं उनके बारे में भी हम काफ़ी संज्ञान ले रहे हैं कि भी इन मुद्दों के ऊपर भी दोबारा फिर एक पुस्तक का मालकानी जिनमें इस पर जो केस था जो हरियाणा सरकार से संबंधित था, वो मुद्दा भी हम इसके अंदर लेंगे जो हम जो प्रदर्शन या नहीं रहे उसमें। तो ये भी विशेष रूप से हम टीमों को शामिल करते हुए, और बाकी केस वापसी का मुद्दा मेन है ही भाई, हरियाणा सरकार के जितने भी हैं वो वापस लें, लेकिन इसके साथ साथ जो पेंडिंग है उनके बारे में ध्यान इसमें उठाएंगे। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो थोड़ी सी क्लियर करने वाली बात थी, राकेश बैंस जी ने जो बताया है कि आज की खबरों में ये दिखा दिया गया कि जैसे किसान यूनियन के बीच में और अनिल विज के बीच में कोई समझौता हुआ, ऐसा खबरों में दिखा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अपनी एक शिकायत लेके गए थे, एक बीज सूरजमुखी का बीज एक गलत दे दिया था, उसकी रिपोर्ट इन्होंने करवाई थी, और उसकी डीडीए की रिपोर्ट जो थी वो उसमें था कि बीज नकली है, गलत है, और उसका पर्चा दर्ज करवा दिया गया था डीडीए की तरफ से। और ये जो पुलिस है वो कह रही है, उसको रद्द कर रही है कि नहीं बीज ठीक था। एक आदमी का पोस्टमार्टम हुआ है, डॉक्टरों ने उसका लिखा है, उसके बड़े डॉक्टरों की टीम तो उसके कुछ बदल दे, पुलिस कौन होती है बदलने वाली। इस मुद्दे को लेकर ये गए थे, लेकिन आगे बात चली कि भी हम प्रक्रिया शुरू कर दी है केस वापस लेने की, लेकिन जो खबरों में दिखा दिया गया वो ऐसा दिखा दिया गया कि जैसे समझौता हुआ है, ऐसी कोई बात वहां पे नहीं हुई। और एक बात जो हम कह रहे हैं कि अगर 24 तारीख तक केस वापस ले लेते हैं तो फिर हम केवल ज्ञापन देंगे, उस ज्ञापन में जो मांगे करम सिंह जी ने बताई हैं वो सारी शामिल होंगी, कर्जा मुक्ति की बात होगी,
और जो 2023-24 के लिए भाव मांग रहे हूँ कि 400 रुपए गेहूँ पे और धान पे 400-400 रुपए बढ़ाया जाए, लखीमपुर खीरी का केस है वो वापस लिया जाए, जो किसानों पे बनाया है, जो मुश्तरका मालकान जमीन है वो किसानों के नाम की जाए, जो सरसों बीटी सरसों का वो परमिशन दे रहे हैं वो बंद की जाए, क्योंकि इससे तो बिल्कुल जो बीज हैं वो सारे कंपनियों के कब्जे में चले जाएंगे, ये तो अभी एक ट्रायल है, इसके बाद तो सभी चीज़ों में बीटी आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें को ज्ञापन हम नहीं, टोटल मुकदमे 294 जो थे वो दर्ज हुए थे आंदोलन के दौरान हरियाणा में, रेलवे को छोड़ के हरियाणा सरकार के 294 मुकदमे दर्ज हुए थे। इन 294 में जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड दिया, उन्होंने ये बताया है कि इसमें से 163 वापिस हुए, जिनको जिनमें कोई नाम नहीं थे दर्ज, जिनमें कुछ नहीं था, वो 163 उन्होंने अभी तक बताया, और एक बाकी जो है वो भी पेंडिंग है, और बाकी तो ऐसे हैं जिनको अनट्रेस दिखा ही नहीं सकते, और हम तो बल्कि उसके बारे ये कहेंगे कि ये तो कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इनके विरुद्ध कि जिन अधिकारियों ने अनट्रेस दिखाया है आखिर किस आधार पे अनट्रेस दिखाया, उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। बात वापिस लेने की हुई थी, वापिस ना लेके गोड़ गोड़ मोड़ करके पूरे किसान वर्ग को जो है वो गुमराह कर रहे हैं। अभी पंजाब में भी किसानों ने कल जाम खत्म हो गया, आम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उनका कहना है कि अगर आपकी सरकार के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे डायरेक्ट बात करें, आप आम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? अभी आप डीजी रोड की बात कर रहे हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इनसे आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना है? बिल्कुल ठीक है आपकी बात, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, और अगर हमारी वजह से किसी को परेशानी होती है उससे माफ़ी भी मांगते हैं। इसमें हम दो चीज़ करना चाहेंगे, नंबर एक, ये सरकार को चाहिए कि लोगों को परेशान ना होना दे, उसके पहले बातचीत को निपटा दे। जहां सरकार ने बात के लिए हमें बुलाया, कभी बुलाया, किसी ने बुलाया, हम गए और जाएंगे, एक बात कि उसके पहले निपटा देना चाहिए। अब जैसे रेलवे ने निपटा दिया, स्वागत है उनका, धन्यवाद है उनका, उन अफसरों का भी धन्यवाद है जिन्होंने अच्छी रिपोर्ट महाभेजी के हित को वापस करना चाहिए वादा किया था, सबका धन्यवाद है। लेकिन जहां गुमराह करके हमें परेशान किया जाता है वहां हम करें तो क्या करें? दूसरी बात, अगर हम ये करें कि चल जीटी रोड ना रोके किसी नेता को घेरें, हम जब नेता को भी घेरने के लिए आते हैं, मान लिया हमने विधानसभा को घेरने का प्रोग्राम कर दिया, हमें कोई आनंद देता? वही रास्ता रोकते हैं, जैसे हम दिल्ली में गए थे, हमने जाना तो रामलीला ग्राउंड में था, रामलीला ग्राउंड में किसी का कोई नुकसान भी नहीं था, और उन्होंने पहले ही हमारे आगे दीवार कर दी और पहले ही हमें रोक दिया। तीसरी चीज मैं कहूंगा कि हड़ताल कोई भी करे, किसी तरह की भी करे, पब्लिक तो परेशान होती ही है। मान लिया एक दिन बस वालों ने हड़ताल की हुई थी, उन्होंने कहा कि हम बसें नहीं चलाते, नहीं चलाई, और मेरे को दिल्ली से चंडीगढ़ आना था, ये 5-10 साल पहले की बात है, तो दिल्ली से चंडीगढ़ का मेरे को 900 रुपये किराया देना पड़ा, टैक्सियों वाले ने लगा दी, भैया 900 रुपये पर सवारी है, बैठो, बैठो नहीं बैठा, मत बैठो, 900 रुपये मेरे को दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए लगे। तो कोई भी जब हड़ताल करते हैं, बैंक वाले हड़ताल करते हैं, अब बैंक वालों ने हड़ताल कर दी, पूरे का पूरा कारोबार ठप हो के रह गया ना जी। कोई भी हड़ताल करता है तो उसका नुकसान तो आखिर पब्लिक को होता ही, दूसरे भाइयों को होता है, और इसलिए हम सारे पब्लिक से भी ये अनुरोध करेंगे कि ये सरकार जो है एक के बाद एक नंबर सबका आएगा, ये सबको जो है शोषण करेंगे। हमारी अपील है सबसे कि सब इसमें हमारा सहयोग करें। चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ हम तो फिर विधानसभा में आएंगे, आप बताओ जिम्मेवारी लो, हम तो कल चल पड़ेंगे।
जिम्मेवारी तो यह है ना कि जे तुसी जीटी रोड रोक के एंबुलेंस तक जाम हो जाने तो उस तरह तुसी जाम किया जीरकपुर तक जाम से क्यों नहीं कर लेगा एंबु एक बात पीछे तो क्या होता है ये तो पुलिस का काम है, लेकिन हम जो है जहाँ पे हमने जाम लगाया होता है वहाँ पुलिस को मिलिट्री की गाड़ी को किसी भी आपातकाल वाहन को कभी नहीं रोकते बल्कि साथ होकर ये तो पुलिस का काम है कि उसके लिए रास्ता कन्फर्म करके रखे, एम्बुलेंस के लिए रास्ता कन्फर्म करके रखे। मान लिया हम एक हफ्ता पहले बता रहे हैं कि हम इतनी तारीख को वहां जाम करेंगे, सरकार की जिम्मेवारी ये बनती है कि या तो उसका बात मान ले या ऐसे इंतजाम कर ले कि उतने बजे जो है वो सड़क कहीं जाम न लगे, उसके पहले सारे व्हीकल को साइड पर लगवा दें, एम्बुलेंस के लिए मिलिट्री गाड़ी के लिए आपातकाल के लिए रास्ता खुला रखे। उन्होंने अभी तक कोई एक सही सवाल थी कि जेकर रेलवे का कार्ड और थोड़ी सी दूर है तो रेलवे का कार्ड क्यों नहीं या किसी और स्थानीय कारण से किसी बीजेपी लीडरों ने कार के अंदर रखे पंजाब के विच बीजेपी लीडर कोई घरों बाहर नहीं बहुत सारे निकल देते तो हरियाणा के विच तुसी एक मंत्री का कार के अंदर हिम्मत नहीं रखते किसान नहीं तो पता सारे रख दिया पर साइकिल जाम रोक तो नहीं पर पहली गल तो यह है कि अनिल विज का घर भी जीटी रोड ही है, यह भी तुम दस दया मैं अनिल विज का घर जेड़ा है ना वह भी जीटी रोड ही है, जे मोड़ा मंडी तो घर जाके ता भी जीटी रोड ही रुकेगा। मैं कह रहा कि दूजी गल जड़ा है हो सकता है कि कला मंत्री ओदे हाथ च ओ कहिंदे जी ना मेरे हाथ च नहीं असी हम जाने असी जो पहला चेतावनी दे रहे हैं उन्होंने ये उन्होंने सानू सड़क ते आण के देंदे ने पहले नबेड़ नूं साडा काम सरकार ने वायदा भी किया है ना वापस लैण दा असी कोई गलत तो नहीं मंग रहे असी कोई तो नहीं गल कह रहे भी जो उन्होंने कहा नहीं आप कह रहे हैं मदद की जी एक होके कह दो फलाने का इंजाम है लोग भी थोड़े नाल खड़नगे रौला यूनियन वाला कोई कहना मैं 28 नु कोई कहना 3 नु उत्तर दा रख लंदा यूनियन अपने होरां दा ते मैनूं पता नहीं पर हरियाणा इत्थे 24 नूं ही होएगा ना 25 नूं होएगा ना 23 नूं होएगा ना 20 नूं होएगा ना 28 नूं होएगा इक्को ही जगह ते होएगा बाकी किते नहीं होएगा। वो भी जो सरकार चाहेगी तो वो भी साडी नहीं है। चरूनी साहब लड़ाई आपकी सरकार से है, मांगे आपकी सरकार से है, तो आप जीटी रोड जाम करने की बजाय सरकार के नुमाइंदों को पकड़ो, उनका घेराव करो। आप आम बंदे को क्यों परेशान करोगे? जीटी रोड जाम होगा पूरा के पूरा हिमाचल हरियाणा पंजाब इससे जो है वो उसको परेशानी होगी, तो आप सरकार के नुमाइंदों का घेराव कीजिए। उनको कहाँ पे पकड़े? आप उनके घर जाइए। हम इसकी इसका हम चंडीगढ़ हम आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, हम मशवरा दे रहे कि आपके पास नहीं आए, आप हमारे पास आए, देखिए आप इसका निदान निकालेंगे। देखिए आम बंदे के सवाल आप मैं बता रहे आप जीटी रोड जाम करके मैं बता क्षेत्रों को आप नुकसान पहुंचाने की मैं बता रहा हूँ। हम 4-5 बार चंडीगढ़ आए, 4-5 बार हमारे साथ ये हुआ कि एक दिन तो सड़क में रोक दिए, पूरी रात वहां पड़े रहे और अगले दिन सुबह अरेस्ट कर लिया। इसी की यही सरकार थी। दूसरे बार आए पीछे रोक वहीं पर रोक लिया, तीसरे बार आए गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया, दिल्ली रोक लिया। अगर हम करें तो क्या करें? जहां पे भी जब आपको रोक रहे तब भी तो जीटी रोड जाम हो रहा है ना, तो आप सीधा बोलो कि मैं उसका घेराव कर रहा हूँ तब भी तो जीटी रोड जाम होगा। आप जीटी रोड पे क्यों उतर रहे हो? आप सिंपल बोलो कि जी मैं उनके घर जा, जब उनका घर अगर जीटी रोड के पास पड़ता है आप उनके घर के बाहर घेराव दे रहे हो तब भी जीटी रोड जाम होता है। आपको मोड़ा मंडी में बीच नेशनल हाईवे पे बैठने की जरूरत क्या है? आप उनके घर के बाहर बैठो, 1.5 किलोमीटर का सफर है, वहां बैठ के घेराव करो। नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जैसे कर्मचारियों के पास होता है।
कर्मचारी मान लिया, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, जैसे मैं बताया बस के ड्राइवरों ने कह दिया जी हम तो गाड़ी नहीं चलाते। हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम ये कर्मचारियों की तरह हड़ताल कर दें कि हमने अपना काम छोड़ दिया तो सरकार मजबूर हो जाए अपना काम करवाने के लिए। बैंक वालों ने बैंक में हड़ताल कर दी, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं चलाते बैंक। तो हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, हमारी मजबूरी ये है। पहली गल तो यह कि सरकार जिहड़ी है घरां दे अंदर बंद करना, कोई सरकार एक जगह नहीं है, वो तो फिर विधानसभा है या सेक्रेटेरिएट है। मैं दस सटे मैं इतने तक आ नहीं दिंदे, साढ़े वाली डंडे लेके अगे खड़े ने, यह सुरक्षित है सुरक्षित, इन्होंने वाल तो कोई हवा नहीं आ दिता। बिलकुल आप बिलकुल आपकी बात सही है। वैसे तो हमारा आंदोलन ये होना चाहिए कि हम सारे देश के किसान ये फैसला करें कि हम दो साल तक फसल ही नहीं बीजेंगे, देश में भुखमरी फसल ही नहीं बीजेंगे। लेकिन वो इस रोड रोकने से भी बड़ा पाप हो जाएगा, वो भूखे मरेंगे लोग, इससे भी बड़ा पाप हो जाएगा रोड रोकने से। रोड तो एक दिन के लिए रुक गया, लेकिन रोटी कहां से खाएंगे अगर हम ये फैसला ले लें तो। और एक बात और बता दूं, कभी ये होगा, कभी ये होगा, एक महाराष्ट्र में कहा लोगों ने फैसला लिया था 3 लाख एकड़ खाली रह गई थी। अगर आज के टाइम में आप देखिए, आज के टाइम में लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, गेहूं का रेट 2700 रुपये पहुंच गया, महंगाई बढ़ गई, लेकिन अगर हमने बीज नहीं बंद कर दी फिर क्या होगा? क्या इतनी बड़ी आबादी को कहीं से खड़ा पाएगा खरीद के? इसलिए हम तो पुण्य का काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जहां कम से कम नुकसान हो, जहां कम से कम नुकसान हो देश का, जहां कम से कम परेशानी हो वो कर रहे हैं। उससे मीटिंग करने ही नहीं गए, उससे तो अपने काम गए, शिकायत लेके गए थे, ये कोई तैयारी करके थोड़ी गए थे कि हमने ये बात करनी है। हाँ अगर वो बुलाए तो जरूर जाएंगे, कल बुलाए कल जाएंगे, जब भी बुलाए वही बुलाए जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।